हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, आज से हम शुरू करने वाले हैं प्लाज्मा फिज़िक्स के लेक्चर्स। तो ये हम शुरू कर रहे हैं प्लाज्मा फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है सिंगल पार्टिकल मोशन। सिंगल पार्टिकल मोशन है तो सिंगल पार्टिकल मोशन देखेंगे अंडर दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमारे पास केस 1 है जिसमें E इज़ इक्वल टू 0 है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखते हैं कि इसमें चार्ज पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है। लेट अस कंसीडर चार पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic force will act upon charged particle and is perpendicular to charged particle. अब हमारे पास एक charged particle है जो कि किसी magnetic field में जा रहा है, कि जो magnetic field uniform है और charged particle की magnitude q है और velocity v के साथ magnetic field में enter हो रहा है और जो magnetic field है वो इसकी velocity के perpendicular है। The magnetic force change the direction of velocity of charged particle. जो magnetic force होगी वो velocity की direction को change कर देगी। If the velocity of particle is perpendicular to uniform magnetic field, अगर velocity जो होगी उसकी perpendicular होगी uniform magnetic field के, the particle will move in circular path. So we say that charged particle have simple cyclotron gyroton. अगर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के तो पार्टिकल मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल मूव करेगा तो हम क्या कह सकते हैं? वी से दैट चार्ज पार्टिकल हैव सिंपल साइक्लोट्रॉन ग्रेविटॉन। तो इसकी जो इसे हम चार्ज पार्टिकल कहेंगे कि सिंपल साइक्लोट्रॉन ग्रेविटॉन है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी हमारे पास वो किस तरह बनेगी इसकी? एफ इज़ इक्वल टू ई प्लस वी क्रॉस बी। ई प्लस वी क्रॉस बी इसकी इक्वेशन बनेगी। और हम जब ऊपर से चले थे तो हमने ई को ज़ीरो ले लिया था। जब ई को ज़ीरो ले लिया था तो अब यहाँ पर इस केस में हम ई को ज़ीरो जब पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी? एफ इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, आप न्यूटन सेकंड लॉ से देखें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी। यहाँ पर देखिए, अगर आप एम डी वी ओवर डी टी आपके बन गया है, पास बन गया है, एम डी वी ओवर डी टी को इस फोर के साथ कंपेयर करें तो आपके पास क्या बन गया? एम डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। Suppose that magnetic field is acting along the z direction. अब अगर magnetic field z direction के along act कर रही है, then we have B is equal to B z k। ये जो magnetic field होगी B z k direction में होगी और हमारे पास V जो होगी velocity जो होगी V is equal to B x i plus B y j plus B z k। हम velocity के तीन component ले लेंगे V x i plus B y j plus B z k। और मेरे पास अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वेशन में क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B का, तो मैं यहाँ पर V और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो आगे मेरे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर I, J और K नीचे आ जाएगा, वी एक्स बी वाई वी जेड, और फिर नीचे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहली में ज़ीरो है, दूसरी में ज़ीरो है, तीसरे में बी जेड है। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो नीचे लिखे हुए वी क्रॉस बी इज इक्वल टू वी बाई बी जेड माइनस ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आएगा? क्योंकि वी जेड जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा, माइनस जे वी एक्स बी जेड, वी एक्स बी जेड आ गया। अब और अब स्किप करेंगे हम जे की वैल्यू ना, जे के नीचे वाली वैल्यू को स्किप करेंगे तो दूसरी तरफ इसकी ज़ीरो आ जाएगी, माइनस ज़ीरो और के का बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसके आगे क्या होगा मेरे पास? अब मेरे पास V क्रॉस B की वैल्यू आ गई, V क्रॉस B इज इक्वल टू वी वाई बी जेड आई माइनस वी एक्स बी जेड जे।
अच्छा, इस इक्वेशन को मैंने उसी इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पर मैंने लिखा था एफ एम डी बी और डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर देनी है और मेरे पास वी क्रॉस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू इंटू वी वाई बी जेड, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है मैंने। तो बी वी वाई बी जेड आई माइनस वी एक्स बी जेड जे, तो इसको अगर मैं तीन कंपोनेंट में लिखूँ एम ए एक्स आई प्लस एम ए वाई जे प्लस एम ए जेड के इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वाई बी जेड आई माइनस वी एक्स बी जेड जे। अब कंपेयरिंग करूँगा कोफिशन को, कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ आई जे एंड के, जब आई जे और के को करूँगा कंपेयर तो एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी जेड, क्योंकि इसके साथ भी आई था और एम ए एक्स के साथ भी आई था तो ये आ गए। इसी तरह एम ए वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जेड जे और एम ए जेड का वैसे ही रिजल्ट जीरो आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वी ट्रिपल आई, हम इन्हीं तीनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन जे है, दूसरी और तीसरी, इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया, आपके तीर का निशान बना हुआ है एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी जेड, ठीक है। ए एक्स को यहाँ पर रहने दें, वी एम को उसके नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एम वी वाई बी जेड। अगर आप इस पर डैश लगा दें तो उसके इक्वल आ जाता है वी डैश इज इक्वल टू क्यू ओवर एम वी वाई बी जेड। अगर अब अगर डबल डेरिवेटिव ले लें इसका वी डबल डैश और एक्स, वी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एम बी जेड वी डैश जेड। अब आपके पास जो ये वी डैश जेड जेड की वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आ गई थी, ये जो इक्वेशन है दूसरी, इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर नीचे वी डैश वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू और एम बी जेड वी एक्स, अब यही वैल्यू वी डैश वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आगे यहाँ पर देखते हैं। पुट कर लिया हमने वी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू और एम बी जेड इन टू क्यू और एम बी जेड वी एक्स, ठीक है। अब इन ये मेरे पास इसका स्क्वायर बन गया और वी एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी वी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, वी डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई। अब इक्वेशन टू एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए और बी क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक तो, और किस चीज़ को शो कर रही है, दिस इक्वेशन शो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है। अब अगर मैं इसके आगे चलता हूँ वी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल आई इंटू आयोटा ओमेगा टी प्लस आयोटा रो एक्स वाई, अब जो वी परपेंडिकुलर है ये आपकी पॉजिटिव कांस्टेंट है और ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, वो आपके पास फेज है, ठीक है, सिग्मा जर वो कह सकते हैं इसे, और प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके द साइन द चार्ज क्यू वी में चूज दी फेज रो या सिग्मा, रो या सिग्मा को हमने चूज़ किया है सो दैट एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई पावर आर टू ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स डैश, एक्स डैश की ये वैल्यू आ गई। वाई डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई प्लस माइनस आयोटा वी डैश ई पावर आर टू ओमेगा टी। सी और डी हमारे पास इक्वेशन दो आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आई हमारे पास, ये इक्वेशन हमने ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करके आई है। अब इन दो इक्वेशनों को, इक्वेशन सी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स नॉट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी वी परपेंडिकुलर ई पावर ओमेगा टी डी टी। अब ये जो है आपके पास पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएट हम करेंगे तो पोजीशन बनेगी इज इक्वल टू वी डैश वी परपेंडिकुलर ई पावर ओमेगा टी और आयोटा सी टी ज़ीरो, इसकी जो लिमिट होगी ज़ीरो टू टी जा रही है। अब यहाँ पर अगर एक्स माइनस एक्स नॉट पर पुट कर दें और इज इक्वल टू आयोटा इंटू एम ओवर क्यू और बी
वी परपेंडिकुलर ई पावर आउट ओमेगा टी। अब हमारे पास वन ओवर ओमेगा टी ओमेगा सी इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओवर क्यू बी। पर मेरे पास यहाँ तक वैल्यू सॉल्व हो गई। अब आगे जो चलते हैं इसके, सिमिलरली वाई इज इक्वल टू वाई का क्या वैल्यू आ जाएगी अगर आप लिमिट इसमें पुट करेंगे, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर और ओमेगा सी ई पावर आउट ओमेगा टी। वी डिफाइन लर्मर रेडियस, लर्मर रेडियस हमारे पास क्या होता है, आर एल इज इक्वल टू वी एल ओवर ओमेगा सी। वी एल आप पास है, वी एल की वैल्यू वी एल लिख दें और ओमेगा सी की वैल्यू जो आपने पिछले पेज पर देखी, ओमेगा सी की क्या वैल्यू थी मेरे पास, ओमेगा सी इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा सी इज इक्वल टू एम ओवर क्यू बी। अगर ओमेगा सी की वैल्यू हो मैं निकालूँ तो क्या निकल आएगी, क्यू बी ओवर एम, क्यू बी ओवर एम। यहाँ पर आप एम ओवर क्यू बी, आपने वन ओवर ओमेगा सी है तो आप उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे एम ओवर क्यू बी, तो आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। और इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम दी अबाउ मैथमेटिक्स दैट पार्टिकल अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल बी गाइडेड इन सर्कुलर पाथ ऑफ लर्मर रेडियस, लर्मर रेडियस में ये मूव करना शुरू कर देगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यूनिफॉर्म हो, तो ये लर्मर रेडियस में मूव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।